हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिंदी से रिलेटेड 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रामर और किताब दोनों से रिलेटेड है। तो आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली संस्कृत का वीडियो आपसे ना छूटे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, बाकी सभी क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है कि लौट कर आऊँगा फिर, पाठ की विद्या क्या है। कहने का मतलब यह हुआ कि लौट कर फिर आऊँगा, ये क्या चीज़ है। आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में भी, कविता, कहानी, साक्षात्कार और निबंध। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों कविता, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, दिया गया है विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4। इसी में से चार ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है। जल्दी से चले जाइए कमेंट बॉक्स में और इसका सही आंसर लिख दीजिए, क्योंकि इसका हम आंसर हमें भी मालूम है लेकिन हम लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इसको छोड़ रहे हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अगर आपको हिंदी में अच्छे मार्क्स अगर आने वाले होंगे तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को जानते होंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुंवर नारायण रचित पाठ किया है, यानी कुंवर नारायण द्वारा कौन सा पाठ की रचना किया गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा 1 वृक्ष की हत्या। तो दोस्तों, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार दिया गया है कि या कुटिली या लकुटी अरु काम कमरिया पर राज तिहु पूर्व की जाति डारो, इन पंक्ति के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसका जो तो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी रस खान। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और आपको जाति प्रथा के भी लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 कि संख्या वाचक विशेषण क्या है। इसमें कोई ऐसा वर्ड खोजना है जो संख्यावाचक विशेषण हो। देखिए थोड़ा ये इसमें संख्या आ ही नहीं रहा है, काला में नहीं आ रहा है, अधिक नहीं, लेकिन 4 में देखिए आपका संख्या 4 आ रहा है, यानी संख्यावाचक विशेषण आपका ऑप्शन ए है। उसके बाद में दिया गया नाक काना साहब का संबंध किससे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, दिया गया है नान काना का संबंध किससे था। ऑप्शन मिलेगा गुरु नानक से, रसखान से, प्रेम घमन से और घनानंद से। आपका सही जवाब हो जाएगा वह होगा दोस्तों गुरु नानक से, आपका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया कि नाखून हमारी डॉट डॉट के अवशेष हैं। तो नाखून हमारी क्या चीज़ के अवशेष है। तो दोस्तों नाखून हमारी पशुता, यानी आपका ऑप्शन सी सही है, पशुता के अवशेष हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है। तो आपका दोस्तों जब सही जवाब हो जाएगा वह होगा 8वीं 9वीं सदी में, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय काफ़ी कम है और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं केवल आपको आंसर बतला रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों अमरकांत का जन्म आपका 1925 ईस्वी में हुआ था, आपका ऑप्शन बी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का जो सही उदाहरण है वह होगा बचपन, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या चूज हो गया। तो जब किशोर से मार खाने के बाद बहादुर रोने लगता है, ठीक है, यानी रोने लगता है जब वो पीटा जाता है। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया कि रूसी जाति की अस्तिमता के सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है। तो ये होगा लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते थे। तो कथक नृत्य के पर्याय माने कौन से ऐसे लेखक हैं जो माने जाते हैं। तो वो दोस्तों हैं पंडित बिरजू महाराज जी, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए भलाई भाववाचक है, फिर है सुंदरता, उसके बाद में दिया गया है अच्छा, ये सभी भलाई, ये सुंदरता और अच्छा, ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आपका दूध कभी भी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो पाठ के केंद्र में क्या है दोस्तों, बिस्मिल्ला खां भी है, बिरजू पंडित भी है
और यहाँ पे आपका जाकिर हुसैन दिया गया है और उपयुक्त सभी दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, तो इसका जो सही जवाब है वह होगा बिरजू महाराज, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय के सूत्रपात किया, तो अज्ञेय के सूत्रपात किसने किया था? तो दिया गया है कि छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का और पद प्रपदवाद का। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा प्रयोगवाद का, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि का उदाहरण क्या है? स्वर संधि, यहाँ पे आपका स्वर संधि का उदाहरण दिया था राम अवतार, राम जोड़ अवतार, कवि जोड़ इंद्र कविद्र, परम जोड़ आनंद परमानंद। यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो दिया गया मदन है। तो मदन क्या चीज़ है? तो दिया गया किरानी का बेटा, सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा और सेन साहब के मित्र का बेटा। तो दोस्तों मदन एक किरानी साहब का बेटा है, आपका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अन्य पुरुष डॉट डॉट भेद है। ठीक है, अन्य पुरुष डॉट डॉट भेद है। तो दिया गया है विशेषण का, संज्ञा का, क्रिया का और पुरुषवाचक सर्वनाम का। देखिए अन्य पुरुष, तो जैसे पुरुष आ गया तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का आपका सही जवाब हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का, आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, उसके बाद में है पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा किसने? पिता ने, भाई ने, माँ ने और बहन ने। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा दोस्तों पिता ने। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा प्रेम घमन, घनानंद, जीवनानंदन दास और अमरकांत। तो इसका है जीवनानंदन दास, आपका ऑप्शन डी सही है। फिर है जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो ना ही इंग्लैंड ने गिराया था, ना ही चीन ने और ना ही दोस्तों रूस ने, वो गिराया था आपका अमेरिका ने। फिर है रोम नदी डॉट डॉट में है। तो रोम नदी कहाँ पे है? तो दोस्तों ऑप्शन मिला है भारत, अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो ना ही भारत में है, ना ही अमेरिका और ना ही रूस में, आपका सही जवाब है वह है दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया द्विगु समास नहीं है। तो द्विगु समास दूसरे उसे बोलते हैं जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, यानी गिनती के पद में आपका पहला संख्या आता हो। तो देखिए त्रिलोकी, यहाँ पे 3 आ गया हमारा द्विगु समास है, शताब्दी 7 आ गया हमारा द्विगु समास है, नवरत्न 9 आ गया हमारा द्विगु समास है। लेकिन भाई बहन दोस्तों ये द्वंद्व समास है, द्विगु समास नहीं है, आपका सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे जो दिया गया है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो दिया है खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं पालने के लिए और फेंकने के लिए। तो दोस्तों लेखक के पिता मछली को मांगना चाहता था वह अपने कुएं में पालने के लिए, आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया कविता नहीं है। कविता इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन कविता नहीं है? तो दिया गया है अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। दोस्तों इसमें अक्षर ज्ञान भी कविता है, हमारी नींद भी कविता है, स्वदेशी भी कविता है, लेकिन शिक्षा और संस्कृति ये कविता नहीं है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। दिया गया मोहरा नदी शहर से दूर स्थित थी। तो मोहरा नदी शहर से कितने मील दूर स्थित थी? ऑप्शन दिया गया है 1 मील, 2 मील, 3 मील और 4 मील। आपका जो सही जवाब है वह होगा दोस्तों 3 मील। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। दिया क्या है राजदूत में कौन सा समास है? ठीक है, राजदूत में कौन सा समास है? तो दोस्तों राजदूत का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का दूत। ठीक है, तो राजा का दूत ये आपका तत्वपुरुष समास जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही है, बल्कि सब ऑप्शन गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया है कि अविन्यो डॉट डॉट नदी के किनारे स्थित है। दिए गए रावी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र और दिया गया है रोन। आपका सही जवाब हो जाएगा वह होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए कि दिया गया गिरधलाल है। तो ये गिरधलाल क्या है? तो दोस्तों ना ही सेन साहब का मित्र है, ना ही सेन साहब का भाई और ना ही सेन साहब का पड़ोसी। दोस्तों वह है मदन का पिता। ठीक है, तो उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया गया संतु डॉट डॉट के मारे कांप रही थी।
तो संतु क्या चीज़ के मारे कांप रही थी? तो ना ही वो खुशी के मारे कांप रही थी, ना ही डर और ना ही दर्द के मारे, वह दोस्तों ठंड के मारे कांप रही थी। चूँकि कहानी पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा उसमें ठंडी वाली कहानी दिया गया, उस समय ठंडी का मौसम था जिसके कारण संतु ठंड के मारे कांप रही थी। फिर दिया गया है बहुव्रीहि समास में। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। उत्तर पद प्रधान होता है, ये भी गलत है। दोनों पद प्रधान होता है, ये आपका द्वंद्व समास में होता है, ये भी गलत है। तो यानी आपका तीन ऑप्शन गलती हो गया। चौथा ऑप्शन जो सही है वह कोई पद प्रधान नहीं होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, फिर दिया गया है कि मैक्सिम मूलर, ठीक है, मैक्सिम मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन मिले हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन और भारत। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दिया गया अमरुद्दीन का जन्म डॉट डॉट में हुआ था। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन मिला है भारत प्रदेश, फिर दिया गया है बिहार, सॉरी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कलकत्ता। इसमें जो सही जवाब है वह होगा आपका ऑप्शन बी, यानी बिहार। फिर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया है पुनर्जन्म, वागीश, जगन्नाथ और उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा पुनर्जन्म। फिर है बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डॉट डॉट के निवासी थे। तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां, दोस्तों ऑप्शन मिला है डुमराव, सीतामढ़ी, दरभंगा और दिया गया है पटना। ये चार ऑप्शन जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इसी में से एक सही है, और वह सही है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी डुमराव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया है 38 की मछली डॉट मछली कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन मिला है सांवरदैया, श्रीनिवास, यतीन्द्र मिश्र और विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, सांवरदैया और श्रीनिवास और यतीन्द्र मिश्र और विनोद कुमार शुक्ल, ये चार ऑप्शन में से जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देख पा रहे हैं। दिया गया है धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धर्मात्मा का आप जब सही संधि विच्छेद आप करेंगे तो वह हो जाएगा दोस्तों धर्म जोड़ आत्मा। ठीक है, धर्म जोड़ आत्मा आपका ऑप्शन में खोजना है, धर्म जोड़ आत्मा कहाँ है, तो यह है धर्म जोड़ आत्मा बिल्कुल गलत है। फिर है धर्म जोड़ मात्मा गलती है, धर्मात्म जोड़ आ गलती है, और धर्म जोड़ आत्मा जो आपका डी है वही है क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, उसके बाद में दिया गया क्वेश्चन नंबर 40 कि जन्म से ही पागल थी, तो जन्म से कौन सी पागल थी? तो दोस्तों ना ही मंजू पागल थी, ना ही पाती पागल थी, और ना ही लक्ष्मी और ना ही सीता, वह पागल थी मंगू। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद में हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपका 50 ऑब्जेक्टिव तथा 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो आपसे ना छूटेगी। दोस्तों अगर आगे आने वाली वीडियो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी लाल के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीवीआई प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।